बेमेतरा जिले के बेरला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आदनगांव सरपंच द्वारा फर्जी पट्टा वितरण का मामला सामने आया था, जहां जांच के बाद सरपंच को एसडीएम द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। ग्रामीणों द्वारा सरपंच के खिलाफ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराने कंडरका पुलिस चौकी पहुंचकर आवेदन पत्र सौंपा है। बता दें, बेमेतरा जिले के बेरला जनपद पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत आनंदगांव के ग्रामीण द्वारा एसडीएम के पास शिकायत किए थे अवैध आबादी पट्टा वितरण के मामले में, जहां सरपंच अर्चिना कोसले व सरपंच तारकेश्वर सोनी को एसडीएम ने धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया है। सर कि यहाँ आनंद गांव के सरपंच और उप सरपंच को सस्पेंड कर दिया है वहाँ से एसडीएम साहब ने, इसलिए हम लोग यहाँ पर रखा चौकी आए हैं अपना विज्ञापन देने के लिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए। उनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला लगाना चाहिए। क्या बोले टीआई? टीआई ने तो बोला अभी फिलहाल अभी उसका कोई विवरण नहीं मिला है, इसलिए 8-4 दिन रुक जाओ करके बोला। ये आनंद गांव के सरपंच है असीना कोसले, उनके द्वारा गलत तरीके से पट्टा वितरण के संबंध में एक आवेदन दिए हैं, जिसमें पूर्व में एसडीएम और तहसीलदार साहब लोग के द्वारा जांच करके उनको बर्खास्त भी किया गया है, तो उसका भी हम लोग प्रारंभिक तौर पे जांच कर रहे हैं और उसमें जांच के बाद क्या मामला बनता है उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे।